हर साल कुछ ऐसे फैशन मूवमेंट्स आते हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में होती है। साल 2021 में कोविड से जुड़ी पाबंदियां, सावधानी और धीरे धीरे पटरी पर लौटती जिंदगी के बीच कई आयोजन हुए जिनके बारे में साल 2020 में कल्पना करना भी मुश्किल था। इन सभी इवेंट्स में शरीक होने वाले सैकड़ों लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी रहे जो लाइमलाइट बटोरने से लेकर सुर्खियों में छाने में भी कामयाब रहे। इनमें से कुछ दिग्गज नाम थे तो कुछ ऐसे चेहरे जिनके बारे में पहले लोग जानते तक नहीं थे। दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाने वाले इन लोगों की आज लिस्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सुपर मॉडल बेला हदीद कान फिल्म फेस्टिवल 2021 का हिस्सा बनी तो उनकी एक आउटफिट दुनिया भर में छा गई। इस हसीना ने ब्लैक कलर का फिगर हंगिंग और पावर शोल्डर का गाउन पहना था। इसमें फ्रंट पर ओपन नेक था जिसके बीच में लंग शेप्ड नेकलेस देखा जा सकता था। इस हटकर नेक पीस की तस्वीर इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई। वहीं इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट को कैरी करने पर बेला की भी जमकर तारीफ की गई। वहीं किम कर्दाशियन के मेट गाला 2021 के ऑल ब्लैक लुक को इस साल का सबसे चौंकाने वाला रेड कार्पेट लुक कहा गया, जो शायद गलत नहीं होगा। इस हसीना ने बैलेंशियागा की टी शर्ट ड्रेस, स्किनी फिट बॉडी सूट, बाल क्वाला और टेल डिटेल वाले लुक में एंट्री मारी थी। उनका यह अवतार जबरदस्त वायरल हुआ। कुछ ने इस हाई फैशन की तारीफ की तो कुछ ने इसे ट्रोलिंग का निशाना बना लिया था। वहीं कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपा भुल्लर भी अपने फैशन का जलवा बिखेरती नजर आई। हालांकि जिस चीज ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो उनकी वो तस्वीर थी जिसमें वो पूरी तरह तैयार होने के बाद अपनी बेटी के लिए ब्रेस्ट पंप का यूज करती दिखी। इसे शेयर करते हुए दीपा ने लिखा था कि किसी भी माँ को इसके लिए जज नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती है। उन्होंने साझा किया था कि वो ब्रेस्ट फीड और मिल्क फॉर्मूला दोनों का इस्तेमाल करती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं मैडोना की बेटी लॉर्डस लियोन जब मेट गाला में पहुंची तो उनके कपड़ों से ज्यादा हाथ उठाकर अपने अनशेव्ड अंडरआर्म्स हेयर को फ्लॉन्ट करना सुर्खियों में छाया। सिर्फ महिलाओं से वैक्स्ड या शेव्ड बॉडी की उम्मीद करने को सेक्सिस्ट स्टिग्मा बताते हुए दुनिया भर में काफी वक्त से डिबेट चला रहा है। ऐसे में लॉर्डस का ये कदम इस बात को साफ कर गया कि इस पक्ष का वो हिस्सा है जो इस तरह के सेक्सुअल सिलेक्टर्स बर्ताव का विरोध करते हैं। आपको कैसे लगे ये चुनिंदा लुक्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।